हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जो मिरर होता है जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, ये जो मिरर होता है, इस मिरर को ट्रांसपेरेंट वर्क किस तरह से बनाया जा सकता है उस बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ इसी मिरर के अंदर हम एक यूट्यूब का लोगो डिजाइन करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हमारा ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें यूट्यूब का लोगो बना लेते हैं, फिर इसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। तो लोगो कुछ इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, ये YouTube का मैंने एक लोगो बना लिया है, डिजाइन कर लिया है। अब बारी है इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ब्लेड चाहिए, नॉर्मल जो घरों में यूज में लेते हैं, इसको दो टुकड़े कर देते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, ये बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि ब्लेड अगर बच्चे यूज में लेंगे तो उनका हाथ कटने का खतरा बना रहता है। तो प्लीज ब्लेड बच्चों के हाथ में ना दे। तो इसको अब हम ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं, और ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बने इसको, इसीलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर देंगे। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको आउटलाइनिंग कर लेनी है। कुछ इस तरह से इसका यूं ऊपर का जो ये पेंट चढ़ा हुआ होता है, इस चीज को निकाल देना है ब्लेड से, किसके मैं पूरा निकाल देता हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा ये YouTube का लोगो बन चुका है, पर ये अभी तक ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये अभी ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है। इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपके पास सिंपली एसिड होना चाहिए, जो हमारे घरों में टॉयलेट क्लीन करने के लिए एसिड यूज में लेते हैं, वो टॉयलेट एसिड यूज करेंगे हम। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये एसिड है, तो इस एसिड को डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है, इसको हम इस कॉटन की सहायता से हमारे इस पे लगाएंगे। तो पहले दो चार बूंद इसमें डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए डाल लिया है, ज्यादा नहीं डालना। फिर कॉटन हाथ में लेना है और कॉटन को पूरा इसमें रफ करना है, और इस एसिड को चारों तरफ से फैला देना है। आप इसमें सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एसिड आपके हाथ में टच ना होने पाए। ये हमने एसिड को लगा दिया है। अब आपको 5 मिनट का वेट करना है, 5 मिनट इसको ऐसे ही रहने देना है, और उसके बाद इसको क्लीन करेंगे। आपको इसको तब तक रखना है जब तक एसिड का पावर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए, 5 मिनट में वैसे हो जाता है। तो दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम सिंपली रुई लेंगे, रुई या कोई कॉटन का कपड़ा, उससे लेकर सिंपली ऐसे साफ कर देंगे। इसके ऊपर जो कुछ भी लगा हुआ होगा धीरे धीरे साफ हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं रुई में ये काला काला सा निकल रहा है, तो इसको पूरा साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ये फ्रंट साइड से ऐसा दिखेगा कुछ, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सिंपली हम इसमें कलर करें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा ये कलर बिल्कुल सूख चुका है, मैं यहाँ टच करके भी दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल सूख चुका है। आप देखते हैं ये सामने से कैसा दिख रहा है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, YouTube का कितना अच्छा लोगो बन चुका है। ये पीछे से कुछ इस तरह का है, सामने से कुछ इस तरह का। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी तरह का डिजाइन बना सकते हैं इससे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को कर दीजिए, समझ गए, सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।